क्वेश्चन किए हैं मुझसे तो जरूर देखना गाइस, आंसर ज्यादा जो है एकदम मस्त है। अच्छा हाँ, क्वेश्चन तो एक ही लाइन में था, सिंपल था, प्रिया ने तो जवाब दिया है एकदम, जवाब दिए है, लेकिन क्वेश्चन तुमने ऐसा ऐसा पूछे हो कि मतलब क्या मतलब बताओ हाँ, यार नहीं हो सकता एकदम एकदम। तो गाइस इसीलिए मतलब ब्लॉग एकदम लंबा हो गया, दो पार्ट में हम लोगों को डिवाइड करना पड़ा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, एंजॉय करो, फुल ब्लॉग देखो, ठीक है, और कैसा लगा जरूर बताना। तो चलो अभी बिना देरी किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चलो। कुछ जो जवाब जो है तुमने एकदम आराम से दिया है, ठीक है। और नेक्स्ट सवाल ये है, क्या घर पे कोई मतलब होता है ना, लड़के होते तो शादी का जो रिश्ता आते हैं, तो तुम्हारे लिए कोई रिश्ता आया था घर पे? हाँ आया था, यानी कि आया नहीं था, आया था, तब मैं छोटी थी, ठीक है। तो पहला एक दो रिश्ता आया था मेरा, तो उस टाइम मैं इतना छोटी थी। पहला जो रिश्ता आया था वो अच्छे घरों से आया था, ठीक है। तो वो मतलब क्या हुआ, जो बनने वाली हाँ, थी, वही घर से, हाँ उस टाइप का बड़े से घर से आया था। तो वो उस टाइम मेरे मम्मी पापा ने सोचा यार ये तो मेरी बच्ची तो बहुत छोटी है, इस टाइम इसको शादी दे देंगे, इससे अच्छा चलो मेरे भाई का एक बेटी है, ठीक है, वो मेरा अंकल, मतलब मेरे पापा जी का छोटा भाई, तो अंकल के बेटी को बोले कि मेरी बेटी अभी छोटी है, मुझे देख के तो पसंद आ गए थे उनको, लेकिन मेरे पापा ने बोला मेरी बेटी छोटी है तो इसलिए इससे तो नहीं हो पाएगा, चलो मेरे भाई का बेटी है तो उसको एक बार देख लो, अगर पसंद आ जाते तो उससे हम शादी करवा देंगे आपको बेटी के साथ। तो उसके बाद मेरी जो एक मतलब कजन है उसको दिखाया गया था, तो उस देखने के बाद उसको भी पसंद आ गया था क्योंकि वो बहुत सुंदर थी, तो इसलिए उसको पापा मेरे मम्मी पापा ने उसके साथ शादी करवा दिया था। और एक रिश्ता आया था जो कि बहुत खास है, तो उस वो ना डॉक्टर था, ठीक है, क्या इसको बोलेंगे ना तो इसको गुस्सा आ जाते हैं, तो वो डॉक्टर थे, तो उसका नाम नाम भी मैं बता दे रही हूँ, उसका नाम पॉलस था, मतलब मेरा नाम प्रिया तो पॉलस, मतलब कितना अच्छा होता ना, डॉक्टर था सोचो तो, अरे पिंकी और प्रिया क्या बुराई है, हाँ तो उसका नाम था पॉलस, ठीक है। तो उसके साथ वो मेरे पापा के दोस्त थे, तो उन्होंने जब मुझे देखे थे मेरे पापा के दोस्त, तो देख के उनको बहुत पसंद आ गया था कि वो सोचे कि उसके बेटे के साथ में ही शादी करवा देंगे, तो इसलिए मेरे मम्मी पापा से बात किए थे, तो कहने के बाद मेरे मम्मी पापा राजी हो गए, बोले कि मेरी बेटी थोड़ा सा अभी छोटी है ना तो थोड़ा सा बड़े हो जाने दो, उसके बाद शादी दे देंगे, ऐसे बोला था। लेकिन यार मैं क्या बताऊँ, मुझे उस टाइम क्या हुआ ना, तब तो मैं राय से मिली भी नहीं थी, कुछ नहीं थी, लेकिन मुझे पता नहीं क्या हुआ था उस टाइम, मैं इतना छोटी थी कि मुझे मैंने हमेशा इस रिश्ते से मना कर दिया। मेरे मम्मी पापा जब भी मुझसे पूछते थे कि तो तुम्हारे साथ ऐसे शादी के लिए बातचीत हो रहा है, तुमको कैसा लग रहा है, ऐसा पूछा था, तो मैं बोला नहीं मुझे शादी वादी नहीं करना है, मम्मी पापा ऐसे बोल मतलब खुद को बचा बचा कर रखी हाँ। थी मेरे लिए, ठीक है, तो सीधी बात जो है बचा बचा कर रखती हाँ, तो वो रिश्ता मतलब नहीं हो पाया था क्योंकि मैंने मना कर दिया, शादी का रिश्ता है वो भी ना हो गया, मतलब दिखा ही था कि मैं ही हूँ तुम्हारे लाइफ पार्टनर, ठीक है। तो ठीक है, और एक सवाल जो है, क्या तुम्हारा कोई लड़का दोस्त नहीं है? हाँ है, मेरा लड़का दोस्त है, लेकिन है या था नहीं, देखो था नहीं बोलेंगे, वो मेरे बचपन का दोस्त है तो उसको था नहीं बोलेंगे, वो मेरे दिल में अभी भी है, लेकिन मेरे राय जी ना पता नहीं क्यों यार उससे इतना जलन हो जाते उसको, तो वो ये सीन है उसको हटाया है, भगा दिया मैंने, भगाया नहीं, देखो वो शायद ये ब्लॉग अभी भी देख रहा होगा, ठीक है। तो मेरे राय जी ने भगाया मीन्स किया, इसको पता नहीं क्या हो जाते, इसको मतलब हमेशा से ना ऐसा लगता है कि मेरे आसपास कोई नहीं होना चाहिए, बस यही होना चाहिए, मतलब इसी साइड पे रहेंगे, आसपास कोई नहीं रहेगा, दोस्त बोलो कोई भी बोलो कोई नहीं रहेगा, बस मैं अकेली इनके साथ रहूंगी, तो इसीलिए मेरे राय जी मेरे साथ किसी से भी कोई भी फ्रेंडशिप वगैरह कुछ नहीं करने देते हैं, इसलिए आप ही लोग हो, आप ही लोग मेरे सहारा हो, ये मतलब
यहाँ पे आसपास किसी से बातचीत नहीं करने देंगे, ऐसे ऑनलाइन करने देंगे। हाँ यार आप लोग मेरे पास क्या हाँ था कुछ फ्रेंड था प्रिया का जो इन्होंने हटाया नया हटा गया वो लोग भी तो थोड़ा बहुत क्या कुछ नहीं किए हैं मेरे दोस्त लोग बहुत अच्छे तुम ही अच्छे नहीं हो तुम्हारी सोच अच्छी नहीं है। अच्छा ठीक है चलो ये इस मुद्दे पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। और ये बताओ कि तुम्हें क्या टॉम बॉय ही पसंद है या कोई लड़का भी जैसे होता है ना वो पसंद है? नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मुझे हमेशा से लड़कों बहुत पसंद आते हैं। लड़के देखते मतलब देखो ये नहीं कि किसी को देख के अरे यार अच्छा लग गया, ऐसा कुछ नहीं। लड़का मीन्स लड़का जिसको देख के अच्छा लगता है, यानी कि नहीं लगता है। मैं तो कभी नहीं सोची थी कि मेरी लाइफ में एक टॉम बॉय आएंगे। मैं हमेशा सोचती थी कि यार मेरा जो हस्बैंड होगा ना वो आमिर खान होगा। मेरा बचपन से शौक था इनके साथ शादी करने का। कोई भी मुझसे पूछता था तो मैं बोलती थी मम्मा मुझे आमिर खान से शादी करना है। ठीक है तो चलो यार आमिर खान नहीं आ पाया है तो यही मेरा आमिर खान है। ठीक है ठीक है। और नेक्स्ट सवाल जो है तुम्हारे लिए कौन सा पूछे, बहुत सारा तो लिख के लाए है लेकिन पूछे क्या, हाँ ये अब तुम बताओ बोलो क्या तुम मतलब क्या तुम उस पर कोई शक करते हो? मतलब मेरे ऑफिस में जैसे फ्रेंड्स बहुत सारा फीमेल स्टाफ है ठीक है, तो मैं हर दिन जो है उन लोगों के साथ ही रहता हूँ और वो लोग जानते हैं मैं कैसा हूँ किस टाइप का हूँ जो भी हो सब जानते हैं मेरे बारे में सब जानते हैं, तो तुम्हें क्या कोई शक है मेरे ऊपर ये बताओ? नहीं मेरे आईजी के ऊपर तो मुझे कोई शक नहीं होते हैं, लेकिन हाँ मुझे इनके ऑफिस में बहुत सारे फीमेल स्टाफ है तो ये क्या करते ज्यादातर एक ही लड़की के पास जाके फोटो खींचवाते थे। ठीक है तो हमेशा से मैं देखती आई हूँ ये मेरे आईजी जिस ऑफिस में काम करते काफी टाइम से कर रहे हैं, तो ये जब भी कोई फोटो वोटो कुछ भी खींचते है तो एक ही लड़की के पास जाके खींचते थे, मतलब ये नहीं जाते थे वो आके खींचते थे। तो मैंने आईजी को साफ साफ मना कर दिए है देखो मुझे ये पसंद नहीं है, एक ही लड़की के साथ अगर तुम पूरा लाइफ मतलब जितने दिन तुम काम करोगे अगर एक ही लड़की के पास तुम फोटो खींचे तो बाद में जब वही फोटो तुम देखोगे ना यार तुमको लगेगा कि यार हमेशा मैं इनके पास ही फोटो जो है गाइस आजकल जो है मैं वैरायटी स्टाफ के साथ जाके फोटो खींचवाते एक ही के साथ खींचते थे तो प्रिया को दिक्कत हो गया, तो मेरी भी सुविधा हो गया मैं सबके पास जैसे जाता हूँ फोटो खींचता हूँ, अब प्रिया को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है तो और एक बताओ क्या तुम मेरे मोबाइल चुप चुप चेक करती हो? हाँ मैं करती हूँ, ये नहीं कि करती जब भी राय जी ऑफिस से आते हैं वॉशरूम जाते हैं मैं पहले शक था क्योंकि हाँ। मैं जहाँ भी मोबाइल लगता हूँ हमेशा ना इधर से उधर थोड़ा हो जाए इधर से उधर हाँ नहीं जब भी कुछ नहीं करती हूँ बस मैं व्हाट्सएप एक बार चेक कर लेती हूँ या फिर मैं थोड़ा बहुत कुछ चेक कर लेती हूँ बस हो जाता है। मैं मतलब ये नहीं कि कुछ मतलब देखते है बस हमारी फैमिली से कोई कुछ आया कि नहीं ये देखती हूँ। अच्छा हाँ मैं तो कोई मैसेज किसी को करता भी नहीं, हाँ घर वालों से बात होता है लेकिन मेरा कोई फ्रेंड नहीं है या कोई स्टाफ नहीं है कि वैसा कुछ नहीं है बस ऐसे नॉर्मली चेक करती है फिर मेरे फोन से चेक करती रहती है, ये मेरा एकदम आदत है मेरा फोन चेक करती रहती है। ठीक है और अब ये बताओ कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा चीज है जो मुझे अभी भी पसंद नहीं है, ना पहले पसंद था ना अभी भी है लेकिन तुम्हारे पास वो है? हाँ वो एक कार्ड है ठीक है जो मतलब मेरी जो बेस्ट फ्रेंड था मेरा एक टाइम तो था नहीं है अभी भी है तो वो मेरा फ्रेंड है, ने मुझे बेस्ट फ्रेंड है लेकिन दिखाई नहीं देते हाँ दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि कोई लोग होते हैं ना जो दिल में होते हैं तो वैसा ही कुछ। ठीक है तो मेरा आजी देखो वो जिस दोस्त के बारे में मैं बात कर रही थी उन्होंने ही मुझे एक कार्ड दिया था जब मैं छोटी थी तब मेरे फोटो को लेके वो उसका सोच था कि मैं बहुत सुंदर दिखने में हूँ। ठीक है तो वो क्या किया था मेरे फोटो को लेके एक बहुत सुंदर कार्ड बनाया था तो वो कार्ड मेरे राय जी मतलब वो ना बहुत मेहनत से बनाया गया था सच बोलूं तो है ना बहुत मेहनत से वो कार्ड बनाया गया था मेरे लिए तो मेरे राय जी के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था अच्छा अच्छा लिखा हुआ था तो वो मतलब कब दिए थे मतलब न्यू ईयर पे दिए थे वो कार्ड तो मेरे राय जी को देख के इतना गुस्सा आ जाते उसको देख के पता नहीं क्या हो जाते तो वो मुझे ये रखने नहीं देते लेकिन मैं कभी उसको फेंक भी नहीं पाई ऐसे ही मैंने बहुत बार मतलब आपको ये क्या था कि ठीक है तुम बचपन का कार्ड है हो गया ये रखना नहीं चाहते लेकिन नहीं रखो लेकिन नहीं प्रिया जो है हमेशा आप जहाँ उसको भी जब भी देखते ना राय जी गुस्सा आ जाते हैं इनको यार मैं कितना छोटी थी उस टाइम या जब मुझे प्रपोज किया था तभी मैं अगर मेरे दिमाग में इतना कुछ होता है ना तो मैं उनको कभी हाँ नहीं बोलती थी मैं नादान थी और इस टाइम मेरा दोस्त था इस दोस्त को भी भगाने के लिए हो गया नादान था नहीं था वो तो मुझे नहीं मालूम तुम नादान
थी शायद वो नादान नहीं था, ये भी तो हो सकता है ना। मुझे तो आपने बता रहे हैं जो फैक्ट है, तो मुझे वो कार्ड पसंद नहीं है। मैंने बहुत बार प्रिया को भी कहा है कि यार ये जहाँ भी जाते हो, हम लोग इतना बड़े हो गए हैं, जहाँ भी जाते हो ये कार्ड तुम नहीं छोड़ती हो। लेकिन प्रिया कभी भी, मैंने कभी प्रिया को जबरदस्ती नहीं किया है कि नहीं छोड़ ही दो, लेकिन जस्ट मुंह से कहा है कि भाई छोड़ दो अब ये कार्ड। लेकिन कभी भी प्रिया ने वो कार्ड नहीं छोड़ा है, अभी भी प्रिया के पास है, आज भी है। हम लोग कितना घर मतलब यहाँ वहाँ कितना भटक चुके हैं, लेकिन कार्ड जो है प्रिया के पास अभी नहीं। कार्ड जो है ना वो बहुत सुंदर है, इसलिए वो सुंदर है, मैं फेंक नहीं पाई हूँ। ठीक है, अब ये बोलो कि टाइगर और मुझ में अगर तुमको किसी एक को चुनना पड़े तो तुम किसको चुनोगे? टाइगर और मैं, अब बोलो। मैं दोनों को ही चुनूंगी। नहीं दोनों, एक को बोलना पड़ेगा। एक को बोलना पड़ेगा तो यार मैं एक बात बता देती हूँ, मेरे राय जी का हाथ है, प्यार है, ये आराम से खाना बना के, प्यार है मत पैर में पापा, अच्छा पैर है, हाँ तो सब कुछ है, आंखें है, सब कुछ है, दिमाग है, टाइगर का भी है तो नहीं है, मेरा तो। मेरे राय जी अकेले खाना बना बना के खा पा के जॉब करके जैसे भी हो रह पाएंगे। ले मेरा जो बच्चा है एकदम नादान है, और ये घर पे रहते रहते बाहर का माहौल के बारे में इसको कुछ पता नहीं है। मेरे टाइगर के सामने अगर एक फिश भी रख दोगे ना तो भी वो खुद से खा नहीं पाते, इस टाइप का है मेरा टाइगर। एक फिश उसको दे देंगे ना तो वो नहीं खा पाएंगे, मतलब पूरा फिश का काटा बाज के मुझे टाइगर को खिलाना पड़ता है। टाइगर बाहर का दुनिया का कुछ भी इसको पता नहीं है, तो मेरे टाइगर अगर बाहर निकलेंगे तो इसको कुत्ता कुत्ता जो भी होते हैं आके खा लेंगे, तो अटैक कर देंगे इसके ऊपर, क्योंकि ये बाहर का कुछ जानते नहीं है। एक दो बार नीचे ऐसे चला गया था तो सूखते सूखते इसका दिन निकल जाते हैं कि ये क्या चीज है। अभी तो सवाल जो है टाइगर और मैं किसको चुनना है, ये तो समझ लिया। हाँ तो मेरा टाइगर अभी नादान है तो मैं टाइगर को ही चुनूंगी। मैं गायब हो गया फ्रेंड्स में, माइनस हो गया। माइनस नहीं मतलब दोनों में से एक को चुनना होगा, तो मेरे नादान में बच्चे को ही चुनूंगी। टाइगर को अगर हम लोग अकेले छोड़ देंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। मुझे अगर छोड़ देगी प्रिया कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, हाँ। लेकिन टाइगर कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए देखो सुन रहा है आप लोगों की बात। टाइगर देखो मम्मी ने क्या कहा है, तो इसलिए जो है प्रिया ने टाइगर चुने। ठीक है, मैं थैंक यू, मुझे अच्छा लगा कि तुमने ऐसे कहा। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल है, कॉलेज में कभी भी तुम्हारे साथ क्या कोई रैगिंग वैगिंग कुछ हुआ था? रैगिंग तो हुआ था, हाँ रैगिंग हुआ था मेरा, अच्छा सा रैगिंग हुआ था मेरा कॉलेज में। जब मैं फर्स्ट ईयर पे जब पहली बार गई थी तो उस टाइम थर्ड ईयर के लोग मुझ पे अटैक किया था। ठीक है, तो ये हुआ था, रैगिंग हुआ था। रैगिंग में मुझे वो वैसे कुछ करने नहीं दिए थे, बाकी लोगों को टफ टफ कुछ करने दिए थे, लेकिन मुझे दिया था गाना गाने के लिए, बोला था। ठीक है, तो उस टाइम मैं क्या गाना गाऊँ क्या गाना गाऊँ, तो मैंने तब तो मेरा एकदम जोरों शोरों से लव लाइफ चल रहा था, अभी तो थोड़ा सा ही ऐसा हो गया है, लेकिन पहले मतलब जोरों शोरों से लव लाइफ चल रहा था, एक्साइटमेंट ज्यादा था। तो उस टाइम मैं थोड़ा थोड़ा आसामी सीख रही थी, राइजी का जो मतलब लैंग्वेज है वो मैं सीख रही थी आसामी। तो उस टाइम मुझे गाना गाने के लिए बोला था, तो मैंने आसामी सॉन्ग गा दिया था, तो इस पे ना सब एकदम इम्प्रेस हो गए थे मेरे मुंह से ऐसे आसामी गान सुने। तो वो जाके थर्ड ईयर के जिन्होंने मतलब ये रैगिंग किया था, उन्होंने जाके जल्दी से जाके ऐसे मिठाई मिठाई लाए, सबको खिलाया, और मुझे ऐसे अपने हाथों से दो मिठाई रसगुल्ला खिलाया। ये कुछ अलग किया है तो ठीक है, हाँ, मिठाई खिलाना। हाँ, तो मैं जो गाना गाई थी वो था अलोका नंदा। अच्छा ठीक है, वो तो ये जुबिन का सॉन्ग है। हाँ ठीक है, और स्कूल में कभी गार्जियन कॉल हुआ है, जैसे पेरेंट्स का कॉल होता है ना कि कोई कंप्लेंट वगैरह? हाँ वो तो हुए है मेरा, हाँ अच्छा सा हुए है, मतलब शरारती थी क्या? नहीं, एक बार हुआ था, मतलब वो तब मैं 11th क्लास में थी। ठीक है, 11th क्लास में मेरा हिस्ट्री ऑनर्स था उस टाइम, तो हिस्ट्री ऑनर्स पे मेरा हिस्ट्री का जो सर था ना, मतलब तीन सर थे ठीक है हिस्ट्री का, तो उस पे एक सर का ना जो मतलब वो जैसे पढ़ाते थे ना वैसे मतलब क्लास थे, मुझे आपको नींद आ जाएंगे इस टाइप का, जब भी आते थे इतना मतलब लेक्चर देते थे, लेक्चर सुनते सुनते मैं ऐसे फर्स्ट बेंच पे बैठती थी, और आते ही मतलब ये जब आएंगे तो मैं सो जाती थी। ऐसे करते करते एक दिन तो उन्होंने मुझे एकदम पकड़ लिया था सबके सामने, जे तू मैं ऐसे सो जाती हूँ मेरी क्लास पे। तो मैं क्या किया, दूसरे दिन जाके ऐसे मतलब दो तीन दिन ऐसा हुआ कि मैं लास्ट बेंच पे जाके ऐसे सो जाती थी, तो उधर से मुझे उठा के वो फर्स्ट बेंच पे ऐसे बिठा देता था बहुत सारा, तो ऐसे ही सो जाती। हाँ तो क्या किया, उन्होंने देखा कि कंटिन्यू मैं ऐसे, उसी टाइम मुझे नींद आ जाते थे, मतलब दोपहर के 3 बजे जब होते थे, 3 साढ़े 3 बजे उस टाइम क्लास होता था, तो मेरा मतलब नींद आ जाता
जाते थे, इस वजह से एक दिन तो पुणे ऐसे ही सो गई थी, तो मेरे डायरेक्ट उधर से ऑफिस से मेरे मम्मी पापा को कॉल करके बताया कि गार्जियन कॉल हुआ है मेरा, यही बात पे। फिर क्या पिटाई वगैरह हुआ था? पिटाई तो नहीं हुआ था, बात सुनना पड़ा था मुझे। ठीक है, और एक सवाल है तुम्हारे लिए, कौन सा सवाल करे? सबका तो तुमने ये कर ही दिया है, और भी कुछ सवाल है? ये बताओ तुम, ये पब्लिक प्रेस में कभी पीरियड हुआ है? पीरियड हाँ हुआ है। तो क्या की तुम उस समय, कैसा ये था एक्सपीरियंस, क्या था एक्सपीरियंस? क्या था यार, मैं कभी भी मतलब अगर रास्ते पे ऐसे पीरियड होते हैं तो मैं कभी तो अपना डेट जो है एकदम पूरा कैलकुलेट हाँ करती हूँ, अगर मतलब कभी कभार मैं भूल जाती हूँ कि मतलब हो जाते हैं ऐसा, तो मैं वैसे तो क्या कभी वो मतलब कैरी करना ऐसा नहीं हुआ मेरा, तो मैं जब भी ऐसे पब्लिक प्लेस पे मुझे हुआ है तो मैं क्या की हूँ, ज्यादातर उस टाइम मैं लेगिंग्स अंदर पहनती रहती हूँ, तो मैं जब भी ऐसा कोई सिचुएशन होता है ज्यादा तो वैसे मैं ब्लैक पहन के बाहर निकलती हूँ, तो मैं मेरा ऐसा हो जाते हुए तो मैं ये नहीं कि मतलब कोई भी पब्लिक टॉयलेट पे जाके ऐसे मैं पैड वैड लगाई हूँ ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसे ही रह जाती हूँ और जब तक घर नहीं आ जाती तब तक मैं ऐसे ही रहती हूँ, ये ऐसे नहीं कि मेरा पूरा एकदम कपड़े पे लग जाता है ऐसा नहीं, जो भी होता है अंदर तो अंडरवेयर होते हैं इसके साथ लेगिंग्स होते हैं तो उसी पे मेरा अटक जाते हैं, पब्लिक को नहीं होता था क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। चलो ठीक है, अब ये बताओ, मानो एक स्टाइलिश टॉमबॉय और ये तुम्हारा सिंपल सा राजा, मतलब स्टाइलिश टॉमबॉय वर्सेस सिंपल सा तुम्हारा राजा जी, अब बोलो क्या दोनों में से किसको अच्छा लगता है? हाँ देखो मेरे सामने खड़ा है स्टाइलिश टॉमबॉय और एक है तुम्हारा सिंपल सा राजा, देखो मानो कोई रिलेशन है नहीं अभी तुम्हारे साथ में। नहीं अभी मेरे राय जी सिंपल सा है कि अभी तो देखना पड़ेगा ना यार, मतलब जो स्टाइलिश है वो अभी क्या किए हैं लाइफ में ये भी तो देखना पड़ेगा, कुछ नहीं किए हैं बस फंटू मंटू मार के निकल रहे हैं, और मेरे राय जी सिंपल सा है, ये कुछ किए है करने में बिजी है इसीलिए स्टाइल वाइल नहीं कर पाए, ज्यादा कपड़ा वपड़ा नहीं खरीद पाए, बीबी को देंगे या फिर खुद लेंगे, तो जिम्मेदारी है भाई, जिम्मेदारी है इनका, तो मुझे यही वाला अच्छा लगेगा क्योंकि मेरे लिए घर वर बनाए हैं बड़ी मुश्किल से बनाए हैं, तो इसलिए ज्यादा स्टाइल नहीं कर पाते है, कुछ नहीं कर पाते, कपड़ा वपड़ा खरीद नहीं पाते, बीबी का मांग पूरा करते करते इनका मांग नहीं पूरा हो जाते, तो इसीलिए मैं इनको ही चुनूंगी क्योंकि ये खुद नहीं लेते कुछ, मुझे देने में बिजी हो जाते, तो मुझे यही वाला अच्छा लगता है मेरा मेरे से मैं तुम मुझे चुन लो एकदम। हाँ ठीक है, चलो अच्छा लगा सुन के, और अब ये बताओ प्यार डूबा है यार, तुम कितना क्वेश्चन पूछ रहे हो। ठीक है मैं और ज्यादा नहीं पूछूंगी, और दो ही सवाल है, एक सवाल जो है क्या एक टॉमबॉय को लाइफ पार्टनर पाके तुम खुश हो, या कोई रिग्रेशन है, मतलब कोई रिग्रेट है तुम्हारा? नहीं अफसोस है कुछ? नहीं मैं राय जी को एक्चुअली मैं राय जी को कभी मतलब टॉमबॉय बोलो लड़की बोलो ये सब सोच के मैं कभी देखती नहीं हूँ, मैं इनको जब भी देखती हूँ मुझे एक लड़का जैसा ही फील होते हैं, मैं कभी इनको लड़की नहीं समझती हूँ या फिर कोई टॉमबॉय नहीं समझती, टॉमबॉय तो बस इनका मतलब एक कैटेगरी का नाम देते हैं लोग, मतलब इंसान तो है भाई, इंसान है लड़की है जो भी है, लेकिन टॉमबॉय जो बोलते हैं ये एक नाम ही है एक और कुछ नहीं है, जैसे लड़की लड़का प्रिया पिंकी वैसे ही एक नाम देते हैं और कुछ नहीं है, तो मैं हमेशा राय जी को लड़का ही मतलब नजर से देखी हूँ, तो मुझे वो कभी नहीं लगते कि एक लड़की है, तो क्या मुझे कभी ऐसा नहीं लगा है कि मैं मतलब तुम खुश हो कि नहीं या मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे कोई कमी कुछ तो है नहीं, कुछ कमी इन्होंने रखा ही नहीं है, पैसा बोलो खाना बोलो घर बोलो कुछ चीज का मुझे कोई कमी तो इन्होंने महसूस नहीं करवाने दिए है, तो इसलिए मैं बहुत हैप्पी हूँ इनके साथ। चलो ठीक है, तो फिर कोई रिग्रेशन है नहीं, प्रिया का कोई रिग्रेट है नहीं, ठीक है, और लास्ट सवाल जो है वो ये है, एक ही सवाल पूछेंगे लास्ट कि तुम मुझ में कौन सी बात जो है तुमको पसंद नहीं आती, लो मैं थोड़ा दबा देता राय जी का, वो बाद में दबाओ, सो सो के जिंदगी बर्बाद यही वाला पसंद नहीं आते, पसंद आते मतलब ये देखो तुम्हारे जैसे ये भी सो गए दिखाओ क्या, हाँ पूरा एकदम तुम्हारे जैसे बने सो जो के जिंदगी बर्बाद करते हैं, टाइगर भी तो राय जी का यही वाला चीज नहीं, फिर तुमने टाइगर को ही चुना क्योंकि टाइगर जो सोता है लेकिन फिर भी प्यारा है, और मैं सोता हूँ फ्रेंड्स गाली मिलते हैं मुझे क्या क्या, सोते रहते हो नहीं देते बाबा, सारा आंसर दे दिया यार, और कुछ नहीं है, हो गया है सब कुछ, होगा भी है, तो तुमने इतना अच्छा सा आंसर दिया है कि मुझे और कोई सवाल मेरे मन में
कुछ रह ही नहीं गया है, सब जो है मैंने क्लियर कर दिया है। अच्छा ठीक है ठीक है, तो अभी कुछ है नहीं और थम्स अप जो है तुम्हारा ही है क्योंकि तुमने एकदम चलो चलो मैं अभी 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 एकदम थक गई हूँ यार बैठते बैठते। कुछ कुछ क्वेश्चन का आंसर तो मुझे मालूम था, मुझे लगा तुम कुछ अलग कुछ बोलोगे, लेकिन नहीं, तुमने जो तुम्हारा सच है वही बताए, तो इसलिए थम्स अप फ्रिज में है। चलो चलो हम थम्स अप लेते हैं और पूरा फिगर दिखाते हैं। चलो ड्रेस पहने दिखाएंगे कि मुंह यार। चलो सो गाइस मैडम जी का तो पैर जो है ये देखो दुख गया है, इसलिए थोड़ा बहुत ऐसे क्या हो गया तुम्हें? अरे सच में मतलब तुम तो सवाल के पूरा ढेर लगा दिए, तो पैर में तो जीजी हो। हां मतलब एक ही जगह बैठ बैठ के तुम्हारा पैर में थोड़ा ये हो गया ना। ओहो वैसे मैं पूरा आंसर दिया सब कुछ। हाँ हाँ तुमने जितना भी मेरा मन के अंदर सवाल था और जो भी तुम्हारा सीक्रेट सीक्रेट बात था सबका तुमने सही सही जवाब दिया है, अभी तो थम्स अप तुमको मिलेगा। ठीक है और गाइस ये देखो क्या हुआ टाइगर। ओ ओ ओ ओ ओ हो हाँ उसको लगा क्या मम्मी मेरा खिलौना जो है क्यों खेल रही है, इसीलिए वो दौड़ के आया है। तो गाइस ये प्रिया का ड्रेस देखो, हाँ इसके जैसा ही और एक पैंट है जो प्रिया ने खरीदा है और दो हाँ दो टी शर्ट है, तो ये सब ड्रेस मैं आजकल पहन रही है, एक्सरसाइज करती है ना तो ये सब कंफर्ट रहता है प्रिया का, तो यही। ठीक है चलो थम्स अप पी लेते हैं। तो गाइस पूरा आंसर देने की खुशी में आज तो हमारे घर पे पार्टी हो रही है, जश्न होगा। तो ये देखो इतना सिंपल सिंपल अगर आंसर तुम पूछोगे मुझसे, क्वेश्चन पूछोगे और मुझे चिप्स और ये कोल्ड ड्रिंक्स मिलेगा तो यार बड़ा ही मजेदार बात है। ठीक है तो गाइस आज काफी मैंने 2 महीना तो हो गया ना, तो एक दो महीना हो गया कि मैं चिप्स और ये कोल्ड ड्रिंक्स या आज तो सब कुछ जो है थम्स अप के लिए ही है। नहीं तो इतना देर प्रिया को ऐसे साथ में बिठाना बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि प्रिया का पैर जो है दुख जाते हैं ना एकदम एकदम। ये देखो चिप्स एकदम पूरा डाल लिए है, ये नहीं कि मैं अकेले खाऊंगी, ये 2 ग्लास देखे वो मतलब समझ ही गए होंगे, दोनों मिलके खाएंगे। तो चलो चलो आप लोग भी आओ इस खुशी में, मैंने सारा आंसर दिए है। तो गाइस ठीक है अभी तो कुछ करना नहीं है, ये थम्स अप हम दोनों पियेंगे। ठीक है और ठीक है तो फिर आज का ब्लॉग यहीं पे हम लोग खत्म कर देते हैं फिर, है ना? हाँ तो गाइस चलो आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं और आप लोग बता देना कमेंट करके आप लोगों को कैसे लगे हैं, अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। ठीक है और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ये सब मत भूलना। ठीक है तो गाइस चलो मुझसे रहा।